ये सितंबर की बारिश है, नॉनस्टॉप जारी है। तबाही भारी है, स्कूल ऑफिस शहरों में अलर्ट जारी है। घर डूबे, कार डूबी है, सड़कें डूबी है, आफत का बरसा पानी। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बारिश ने बदली सूरत। यूपी में मूसलाधार बारिश से लोगों की जान पर बनाई है। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, उत्तराखंड से हिमाचल, पानी पानी है। केदारनाथ में तो बर्फ की चट्टानें टूट रही हैं। तीन दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो हालात ये हो गए कि हर कोई बारिश से पनाह मांग रहा है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल दिया गया है। कहीं बारिश से मकान ढह रहे हैं, कहीं दीवारें गिर रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, सड़कें समंदर बनी हुई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों जुलाई में इतनी बारिश नहीं हुई, क्यों अगस्त में इतनी बारिश नहीं हुई और अब सितंबर में मूसलाधार बारिश क्यों हो रही है। तो आपको दिखाएंगे कि अगले कुछ घंटों में कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी और सितंबर की ये बारिश कितनी भारी पड़ने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं, सावधान, बारिश जारी है, सितंबर भारी है। सितंबर महीने में कुदरत का जल अटैक। दिल्ली में मंडरा रहा है बादल बम का डेंजर। गुरुग्राम में मानो फट गया बादल बम। नोएडा में बारिश का ब्रेक फेल हो गया। नोएडा में बारिश के चलते स्कूल बंद। सितंबर में सितम की झांकी, जल तांडव है बाकी। डूबे डूबे शहर, सड़कों पर सैलाब का समंदर, भारी बारिश का कहर। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या गुरुग्राम, आसमानी आफत ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बीते 48 घंटे से दिल्ली एनसीआर में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि मानो कुदरत सब कुछ डुबो देने पर आमदा हो। ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के डीएम कार्यालय की है। ये दफ्तर सैलाब में समा गया, या फिर सैलाब दफ्तर में समझ पाना मुश्किल है। दफ्तर पर पानी का कब्जा है, लिहाजा डीएम साहब समेत सभी अफसर यहाँ मौजूद नहीं है। गाड़ियां हैं लेकिन पानी में डूबी हुई।
बीते 48 घंटे में इतना पानी बरसा कि जिले का प्रबंधन संभालने वाले कलेक्टर साहब के दफ्तर का ही प्रबंधन पानी पानी हो गया। सोचिए जिले का क्या हाल होगा। ग्रेटर नोएडा के प्रशासन की हालत ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समेत तमाम ऑफिसर्स तैर तैर के अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और अगर ऐसी ही स्थिति रही अगले 24 घंटे और बारिश हुई तो हो सकता है कि ऐसे जितने भी और दफ्तर हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, प्रशासन के दफ्तर हैं, उन पर उनको बंद करना पड़े। ये डीएम का ऑफिस है जहां दूर दूर तक जहां तक नजर आएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। ये जो दफ्तर है ये लगभग ऐसा लग रहा है कि पानी में डूब सा गया है। अब लोगों का सवाल यही है कि हम अपना दुखड़ा लेके जाएं तो जाए कहां, उंगली उठाएं तो किस पे उठाएं। साल दर साल बारिश होती है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली समेत इन इलाकों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बारिश अगले 24 से 48 घंटे में और हुई तो ऐसे इलाकों का क्या हाल होगा। मंजर आपके सामने है, दूर दूर तक सिर्फ पानी है। लोग तैर तैर कर, बच्चे खास तौर से तैर तैर कर पहुंच रहे हैं। कई सारे जो अफसर हैं उनको कह दिया गया है कि अपने घरों से ही वो काम करें, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ घंटे में पानी का स्तर और बढ़ जाए। कलेक्टर साहब का दफ्तर डूब गया, टापू में तब्दील हो गया, तो खतरे को भांपते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश प्रशासन द्वारा दे दिए गए। थोड़ी सी बारिश में प्रबंधन के दावे पानी पानी हो गए। ये हाल सिर्फ कलेक्टर दफ्तर का नहीं है बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। तस्वीरों के द्वारा आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा कि यहां ग्रेटर नोएडा में पानी भरा हुआ है। देखिए दुकानें जो है सामने, ये यहां सारी फर्नीचर की दुकानें हैं, सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं और हो सकता है कि आज दिन भर भी दुकानें बंद रहें। देखिए जो ट्रैफिक है, ऑटो, ये देखिए ऑटोज वहां जा रहे हैं, तो आपको इससे भी एक अंदाजा लगेगा कि यहां पानी कितना ज्यादा भरा। दिल्ली एनसीआर के लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि जब जब बारिश होती है कागजों पर किए जा रहे दावे बारिश के पानी से धुल जाते हैं। झेलना आम जनता को पड़ता है, ये दिल्ली का हाल है। ये महिपालपुर मेहरौली मुख्य मार्ग है। महिपालपुर से मेहरौली को जोड़ने वाली सड़क, यानी कि गुड़गांव और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क, और यहाँ देखिए आप किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में कई सड़कों का यही हाल है। आप देखिए किस तरीके से पैदल यात्री रोड पार कर रहे हैं। एक तरफ एक लेन में सारी गाड़ियां चलने को मजबूर है, क्योंकि दूसरी तरफ पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है। तमाम ऑटो रिक्शा और तमाम कार इस पानी में खराब हो गए हैं और सड़क पर ही खड़े हैं। दूसरी तरफ आप ट्रैफिक देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ट्रैफिक बहुत ही स्लो है और ट्रैफिक सिग्नल का कोई काम रह नहीं गया है, क्योंकि जहां तहां गाड़ियां खड़ी हैं और बड़ी मुश्किल से यहां से बाहर निकल पा रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी का हाल बुरा है तो ठहरिए, गुरुग्राम के दृश्य आपकी सोच को बदल देंगे। गुरुग्राम में जरा सी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति नजर आती है और ऐसे में कई जगह तो घंटों लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। लेकिन सुभाष चौक पर कल भी यहां पर जलभराव था, आज भी जलभराव है। ऐसे में उसके निकासी की जब व्यवस्था कल नहीं की गई तो आज मजबूरी में की जा रही है। जब निकासी की व्यवस्था की जा रही है तो देखिए किस तरीके से सफाई अभियान अभी चल रहा है। ये क्या क्या निकला है भैया, ये गाड़ी की नंबर प्लेट है, गाड़ी की नंबर प्लेट आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है। इसके अलावा आपको बॉल, कागज, प्लास्टिक, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी यहाँ से निकाली जा रही हैं। ये अभी निकाली जा रही हैं, जबकि कल भी यहाँ पर घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम लगा। कल यहाँ पर अच्छा खासा जो है जलभराव था और कल यहाँ पर ये सफाई नहीं हो पाई। आज ये सफाई हो रही है क्योंकि आज दोबारा से यहाँ पर पानी भरा है। अड़तालीस घंटे से बारिश जारी है, जल भराव हुआ, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे। गुरुग्राम की आज की तस्वीर सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।
ये राजीव चौक है, गुड़गांव का राजीव चौक, और ये अंडर पास है और उसके ठीक बगल में आप एक जनसेट देख रहे होंगे। जनसेट में पंप लगाया गया है और उस पंप के सहारे यहाँ से पानी जल जमाव को खत्म किया जा रहा है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह जब तेज बारिश हो रही थी उस वक्त पानी 2 फीट के करीब हो गया था, और ये इलाका इस हिसाब से भी अहम है गुड़गांव के हिसाब से कि यहीं पे गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, यानी कि तमाम जो जरूरी मूवमेंट्स हैं वहां भी हालात गुड़गांव में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास के ये हालात हैं, राजीव चौक का इलाका जहां पे लगभग 2 फीट का पानी जमा हो गया था, और डर कई बार होता है कि जब गुड़गांव में मूसलाधार बारिश होती है तो इस तरह से अंडरपास में पानी जमा होता है, लेकिन अंडरपास के ठीक बाहर की तस्वीर जेनसेट लगा के पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, और जिन तैयारियों के दावे किए जाते हैं वो तैयारियां बारिश के समय फेल क्यों हो जाती हैं? महीना सितंबर का है, तैयारी के पूरे दावे किए गए, लेकिन खोखले दावों का क्या, दावे तो दावे। दिल्ली और गुड़गांव के इलाके में एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश का असर तस्वीरों में देखिए कि गुड़गांव में इस वक्त क्या स्थिति है। सेक्टर 41-30 के आसपास का ये इलाका, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से जल जमाव हो गया है। बसों को आने में, गाड़ियों को आने में लगातार पानी का सामना करना पड़ रहा है, बाइकर्स को खासा दिक्कत हो रही है, और जो आसपास के सोसाइटीज में यहाँ लोग रहते हैं वो हमें बता रहे थे कि कल यहाँ पे बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया था। आपका नाम क्या है और कहाँ रहती हैं आप? सुषमा चौधरी, सेक्टर 30 में रहती हैं। कल यहाँ क्या स्थिति थी? कल यहाँ तक पानी भर गया था। मैं फिजियोथेरेपी कराने जाती हूँ ना, तो बहुत मुश्किल हुआ ना, अभी भी वही जा रही हूँ करने फिजियोथेरेपी, जो कि फ्रोजन शोल्डर है तो कंपलसरी कराने। तो इसकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं आसपास में आप लोग? हो रही है, पानी भरा हुआ है सब। ये तस्वीरें डराती हैं, लेकिन इससे ज्यादा डराने वाली चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई। मतलब ये अभी 48 घंटे और बारिश का सितम जारी रहेगा, और ऐसे थके हारे सिस्टम के चलते आम आदमी कहीं जल भराव में फंसेगा, कहीं जाम में, क्योंकि यहाँ सब चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।